नमस्कार दोस्तों, जॉब रिलेटेड सपोर्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। जो स्टूडेंट डिप्लोमा पास है, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो उस बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। और जो जो टेक्निकल बैकग्राउंड की स्टूडेंट है, जो डिप्लोमा ITI बीटेक किया है और BE किया है, वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत 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 थैंक्स जॉब रिलेटेड सपोर्ट ग्रुप के तरफ से। और जो अभी तक भी नहीं किया है, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर हर रोज़ जो टेक्निकल रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सिलेबस की एनालिसिस होता है उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन इजी तरह से मिल जाए और इस वीडियो को पहले देख पाए। डिप्लोमा पास स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक ये जो वैकेंसी निकला है यांत्रिक पोस्ट पर, एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको नौकरी मिलेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको नौकरी मिलेगा। और इस जॉब की जो पैकेज है, जॉब की जो फैसिलिटी है, बहुत बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पर इसका सिलेक्शन भी बहुत फास्ट होता है, तो इसके लिए आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा इससे पहले, इस चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पर देख सकते हैं www.jrsgcareers.cf, इस चैनल को आप क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजी तरह से इस चैनल यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो यांत्रिक पोस्ट का जो वैकेंसी निकला है, उसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। यहाँ पर एडुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा पास्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी हो सकता है उसको। इससे पहले आपको मेट्रिकुलेशन यानी सेकेंडरी पास करना पड़ेगा। और जो 60% मार्क्स से डिप्लोमा किया है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन है। यहाँ पर जो एज रखा गया है वो 22 ईयर्स मैक्सिमम, और जो SC ST वालों हैं उनके लिए 5 ईयर्स, और OBC वालों के लिए 3 ईयर्स की छाड़ है। और यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हैं 29200। इसका जो प्रमोशन है देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। इसका जो प्रमोशन है, आपको प्रमोशन होके रैंक जो अप टू रैंक प्रधान सहायक इंजीनियर तक आप जा सकते हैं। इसका जो प्रमोशन है बहुत अच्छा होता है। और इसके बारे में और भी देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको फॉर्म फिलअप अभी शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होगा 23 जुलाई से 1 अगस्त तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, फॉर्म फिलअप की जो ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से भी आप इस लिंक से भी आप जा सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस सिलेक्शन की खासियत ये है कि आपको जो एग्ज़ाम डेट बताया जाएगा, उस एग्ज़ाम डेट की डेट में ही एग्ज़ाम होने के बाद ही आधे घंटे से कुछ देर में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उस दिन ही इसका जो एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बारे में यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। बाद कुछ दिन बाद ही इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो जब एग्ज़ाम की डेट बताया जाएगा, तो उसके लिए आप पहले आपको फिजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, और आपको फिजिकल फिटनेस की परीक्षा देना पड़ेगा उसी दिन। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ज़्यादा डिले नहीं करता है यहाँ पर। और इस ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा, इस बारे में आपको फुल डिटेल्स इस वेबसाइट में जाकर फुल डिटेल्स में देख लीजिए। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी 23 जुलाई से फॉर्म फिलअप भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।